आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी द वाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात, मतलब कि सोलंकी वंश के बाद वाघेला वंश ने गुजरात पे शासन किया। द लास्ट एम्परर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी करणदेव वाघेला, जो लास्ट राजा थे वाघेला वंश के वो थे करणदेव वाघेला, वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, और उनकी हार हो गई। किसने हार दी उनको? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हार दी। एंड इट ब्रॉट टू द एंड ऑफ राजपूत रूल, और किसका एंड आ गया? राजपूत का जो शासन चल रहा था उनका अंत आ गया ओवर अनहिलवाड़ पाटन। लेटर ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अनहिलवाड़ पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात जस्ट फॉर अ नेम शेक। और फिर क्या हुआ? अनहिलवाड़ पाटन जो कैपिटल रहा सिर्फ नाम के लिए। ड्यूरिंग द सल्तनत एरा अहमद शाह एस्टैब्लिश्ड अहमदाबाद इन 1411 CE, मतलब कि सल्तनत एरा में अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की। कब की? 1411 CE। देर आफ्टर पाटन सीज्ड बींग द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड बिकम द हेड क्वार्टर ऑफ शुभगिरी। और उसके बाद क्या हुआ? पाटन को गुजरात का कैपिटल बना दिया गया और उसका हेड क्वार्टर बना दिया गया। द सुल्तान रूल्ड ओवर गुजरात थ्रू द 15th सेंचुरी। अब गुजरात पे सुल्तान ने गुजरात पे राज किया 15th सेंचुरी से एंटिल द एंड ऑफ द 16th, और 16th सेंचुरी के एंड तक उन्होंने शासन किया। ड्यूरिंग दिस एरा नोटेबल सुल्तान लाइक अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा एंड मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर गुजरात। अब इस एरा में कौन कौन से सुल्तान ने शासन किया? तो अहमद शाह थे, मोहम्मद बेगड़ा थे और फिर मुजफ्फर शाह भी थे। एट द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ ओवर गुजरात। अब 17th सेंचुरी में क्या हुआ? मुगल वंश जो था उन्होंने गुजरात पे मतलब कब्जा कर लिया और खुद स्थापना बना ली अपनी। एंड देयर आफ्टर मेनी अदर किंगडम्स केम इनटू एक्जिस्टेंस इन गुजरात। उसके बाद गुजरात में बहुत ज़्यादा किंगडम्स अस्तित्व में आने लगे। अब हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। सोलंकी एरा में जो किंग हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द किंगडम वेर हैंडेड बाई डिफरेंट मिनिस्टर। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे किंगडम के वो अलग अलग मिनिस्टर को सौंपे जाते थे हैंडल करने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर वॉज नोन एज अ महामंत्री हु लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता था उसको महामंत्री कहा जाता था और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखा करता था, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड करता रहता था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज अ मंडल। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है उसे मंडल कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। और इस किंगडम का जो कैपिटल है उसको सरस्वती नदी के किनारे स्थापित किया गया है। एंड हेंस इट वॉज नोन एज अ सरस्वती मंडल। और वो सरस्वती नदी के किनारे इसलिए उसको सरस्वती मंडल कहा जाता है। द सब सेक्शन ऑफ द मंडल वॉज ऑल्सो एज पथक। और जो सब सेक्शन हुआ करता था मंडल का उसे पथक कहा जाता था। देयर वेयर सेवरल सच पथक्स विच इंक्लूडेड मेनी विलेजेस विद इन देयर फोल्ड्स। मंडल सच एज कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेतक मंडल, लाट मंडल, मेड पार्ट मंडल वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम पे ये सारे मंडल एग्जिस्टेंस में है। अब हम आर्किटेक्चरल एंड कल्चर के बारे में देखेंगे। Many people followed Shaivism in Gujarat during the Solanki era. बहुत सारे लोग हैं जो Shaivism मानते थे गुजरात में Solanki era में। At this time, Somnath was the prime center of Shaivism. और उस टाइम क्या होता था? सोमनाथ है वो शैव धर्म का मेन सेंटर माना जाता था, जबकि द्वारका है वो वैष्णव धर्म को सेंटर माना जाता था। In influence of Buddhism reduced during the medieval age. अब क्या हुआ? बुद्धिज्म की असर हुई और बुद्धिज्म कम हो गया मीडियाएबल एज में, जबकि जैनिज्म बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा।
एज अ रिजल्ट मेनी मैग्निफिशेंट जैन टेम्पल्स वेर बिल्ट. जबकि जैनिज्म बहुत फेमस होने लगा तो जैन टेम्पल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. दिस पीरियड ऑल्सो शो द प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पेंटिंग. ये पीरियड ये भी कहा जा सकता है कि इस पीरियड में प्रोग्रेस हुआ है आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का और पेंटिंग का. द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम एग्जिबिटेड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ टेम्पल कार्विंग. और ये भी देखा जाता है इसमें कि अभी जो स्कल्पचर बन रहे हैं, आर्किटेक्चर हो रहा है, जो पेंटिंग हो रहे हैं, उसमें राजस्थानी स्टाइल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, द विमल शाह जी टेम्पल ऑफ आबू वर कंस्ट्रक्टेड इन द 11th सेंचुरी. वाइल द रुद्र महालय टेम्पल, द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल वर बिल्ट इन 12th सेंचुरी. अब 11th सेंचुरी में क्या क्या बना, तो मोढेरा का जो सन टेम्पल है वो, विमल शाह जी का टेम्पल जो आबू में है वो, और जबकि रुद्र महालय टेम्पल है वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ, मतलब कि दोबारा से बना गया. कब? तो 12th सेंचुरी में. द 13th सेंचुरी शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू. 13th सेंचुरी में डेलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ. वाइल अटेन अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ इंडिया. अलोंग विद द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, अदर आर्किटेक्चरल वर्क सच एज अ लेक, फोर्ट, गेटवे, आर्चेज ऑफ टेम्पल वेर ऑल्सो इंक्लूडेड. और टेम्पल मतलब गुजरात में टेम्पल के साथ साथ लेक्स बनाए गए, फोर्ट्स बनाए गए, गेटवे बनाया गया, आर्किटेक्ट्स ऑफ टेम्पल मतलब कि तोरण बनाए गए, ये सब भी इंक्लूडेड है इसमें. अमंग ऑल द कीर्ति तोरण, द कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर इज़ वेरी फेमस. मतलब बहुत सारे कीर्ति तोरण हैं पर वडनगर का जो कीर्ति तोरण है वो सबसे ज़्यादा फेमस है. मैन्यूस्क्रिप्ट वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स. जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा जाता था वो यूजुअली किस पे लिखा जाता था, ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था. मार्जिन्स वेयर ड्रॉन अलोंग द फोर साइड्स ऑफ दिस 2 or 3 feet लॉन्ग एंड 2 or 3 inches वाइड लीव्स. और जो मार्जिन बनाया जाता था किसमें बनाया जाता था, तो बहुत बड़ा एक लीव होता था जिसमें 2 से 3 feet लॉन्ग होता था और 2 से 3 inch वाइड होता था वो जो पत्ता होता था वो. एंड विद इन दैट लिमिटेड स्पेस रिटन ऑन ड्राइंग वेयर एग्जीक्यूटिव. और इतने लिमिटेड स्पेस में रिटन और ड्राइंग वर्क दोनों होता था. बिसाइड दिस अ लॉट ऑफ लिटररी वर्क ऑन जैनिज्म वॉज अकम्प्लिश ड्यूरिंग द सोलंकी एरा लाइक अ द्वारश्रय ग्रंथ. मतलब कि लिटररी वर्क जैनिज्म में बहुत ज़्यादा हुआ सोलंकी वंश के दौरान. जैनिज्म का जो लिटररी वर्क था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अहमदाबाद बिकम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत रेंज. सल्तनत रेंज मतलब कि सल्तनत शासन था तब अहमद शाह सेंटर था वहीवटी कार्य के लिए. मेनी बुक्स वेर रिटन इन पर्शियन. पर्शियन भाषा में बहुत सारी बुक्स को लिखा गया. ऑल्सो मेनी वर्क्स इन गुजरात हैव बीन रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड में गुजराती भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई. मेनी फेमस मॉस्क्यूज वेर बिल्ट ड्यूरिंग द सल्तनत एज वेल एज द मुगल एरा. सल्तनत एरा और मुगल एरा इन दोनों एरा में मॉस्क्यूज बहुत ज़्यादा बनाए गए. द फेम्ड सिद्दी सैयद ग्रिल ऑफ अहमदाबाद एंड द सरखेज रोजा मॉस्क्यू वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम. और इस समय में सिद्दी सैयद की जाड़ी और सरखेज का रोजा जो कि अहमदाबाद में है वो ये बनाया गया. थस ड्यूरिंग द मीडियाएवल एज फॉर ऑलमोस्ट 560 years गुजरात वॉज रूल्ड ओवर बाई द राजपूत डायनेस्टी एंड लेटर बाई सल्तनत एरा एंड मुगल एरा. ड्यूरिंग द मीडियाएवल एज फॉर ऑलमोस्ट 560 years गुजरात वॉज रूल्ड ओवर बाई द राजपूत डायनेस्टी. अब क्या मीडियाएवल एज में ऑलमोस्ट 560 years तक गुजरात में राजपूत वंश का शासन था और उसके बाद सल्तनत एरा आ गया तो मुगल शासन ने राज किया. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द आर्किटेक्चर स्पेंडर एंड लिटररी वर्क ऑफ दैट पीरियड. तो यहाँ अपना ये चैप्टर खत्म होता है मीडियाएवल गुजरात. तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.